नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम वंस अगेन टू ओमेगा डेक दोस्तों ओमेगा डेक में अब तक हमने कई सारे टॉपिक्स के ऊपर रोशनी डाली है हमने बात की है ओबेसिटी के बारे में आई रिलेटेड ट्रबल्स के बारे में और साथ ही साथ स्किन और ब्यूटी को भी हमने टच किया है रोजाना हमें कई क्वेरीज आती हैं आप लोगों की तरफ से इसीलिए आज के इस एपिसोड में हम आपकी क्वेरीज को इन्वॉल्व करेंगे और जानेंगे उनके जवाब तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से आज की हमारी पहली एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल चलिए उनका स्वागत करते हैं वेलकम डॉक्टर वेलकम टू द शो और आज की हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सिंदूरी लेट्स वेलकम हर टू वेलकम डॉक्टर वेलकम टू द शो डॉक्टर्स अब तक हमने बहुत सारी जानकारियां हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई हैं वी हैव टॉक्ट अबाउट ओबेसिटी ब्यूटी स्किन आई रिलेटेड इश्यूज और हमें रोज़ाना कई सारे सवाल उनकी तरफ से आते हैं ई के ज़रिए कुछ फ़ोन कॉल्स के जरिए और कुछ लेटर्स के जरिए तो आज हमारी ये कोशिश होगी कि उन सवालों का जवाब हम उन तक पहुँचा सकें तो चलिए आज का पहला सवाल लें आज का जो हमारा पहला सवाल है वो आया है एमपी से मिसेस रोहिणी का मिसेस रोहिणी कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ओमेगा डेक लेकर आए हैं वो और इससे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फील कर रही हूँ मगर आ, मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनके जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिरते जा रहे हैं क्या ओमेगा डेक उनको हेयरफॉल में मदद कर सकता है क्या कोई ऐसी रिसर्च हुई है डॉक्टर विल यू ज़रूर ओमेगा डेक फॉल में काफ़ी मदद करता है और ज़्यादातर जो मेल्स में देखा गया है, है फॉल का प्रॉब्लम जो है, रिट्री रहता है इसमें जो मेल हार्मोन्स रहते हैं टेस्टेस्ट्रॉन वो डाईहाइड्रो हाइड्रो में चेंज होते हैं और जिसकी वजह होती है कि एनजाइम्स फ़ाइव अल्फा रिडक्टेज तो नॉर्मली जो हम देते हैं हेयर फॉल प्रिवेंट करने के लिए इन ऐसे उसमें मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसमें ये हॉमोन् से रिलेटेड भी एक मेडिसिन रहती है साथ में सप्लीमेंट्स देते हैं विटामिनस और एसेंशल फैटी एसिड्स और मिनरल्स के तो जिससे जो आगे का जो है हेयर फॉल वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट होता है और देखा गया है कि न्यू हेयर ग्रोथ भी आती है साथ में और साथ ही साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बाल हैं उनकी भी जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं तो ये माना गया है और देखा भी गया है कि असेंशियल फैटी एसिज जैसे ओमेगा डेक जिसमें हैं उसमें ये काफ़ी हद तक प्ले करता है रोल कि एक आपका हेयर लॉस काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो सकता है ओके okay. रोहिणी जी आप अपने हस्बैंड को ज़रूर सजेस्ट कर सकती हैं ओमेगा डेक लेने के लिए क्योंकि ना सिर्फ वो उनके हेयर फॉल में मदद करेगा बल्कि उनकी जो लाइफ है वो एक्टिव होगी और वो ज़्यादा फिट रहेंगे आई थिंक मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो डॉक्टर सिंदूरी के लिए रहेगा सिंदूरी जी हमें अक्सर कॉल्स आते हैं अक्सर लेटर्स आते हैं उनमें कॉमन सवाल होता है वो ये होता है कि जो सॉफ्ट जेल्स की हम बात करते हैं कि आप दो सॉफ्ट जेल्स लीजिए और आप रोज़ाना लीजिए तो इनका साइज क्या सोलेबल रहता है दिस सॉफ्ट जेल्स आर ईजी टू स्वेलो एंड इसमें जो अमेगा uh, थ्री का कंटेंट है वो सिक्स सेवन हंड्रेड टू थाउजेंड मिलीग्राम्स एक कैप्सूल में है और ये कैप्सूल इट इज़ ईजी टू ओपन अप एंड यू कैन डायरेक्टली यूज़ द ऑयल इट सेल्फ डायरेक्टली ऑन द स्किन और यू कैन यूज़ इट इन इन फूड सप्लीमेंट्स ऑल्सो डॉक्टर हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज दिस लेडी सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम फॉर लास्ट टेन ईयर्स ये कहते हैं कि आई हैड अ प्रॉब्लम विद स्पॉट्स ऑफ एग्जीमा ऑफ एंड ऑन सिंस टीन ईयर्स And last winter it became intense around whole eye area like a mask of redness and itching. Will Omega Deck help me out? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ओमेगा डेक में एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स जो कि काफ़ी हद तक जो एक्जिमा रिलेटेड सीवियरिटी जो सिम्टम्स रहते हैं इचिंग वगैरह उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं और ये स्टडीज भी इसमें हुई हैं जिसमें देखा गया है कि जो सफरर्स एक्जिमा सफरर्स जब एसेंशियल फैटी एसिड्स अपने डाइट में या एज ए सप्लीमेंट इंक्लूड करते हैं तो काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिलता है उनके सिम्टम्स में ओके okay. तो ये अपनी डाइट में ओमेगा डेक को इंक्लूड करना चाहिए उन्हें एज ए सप्लीमेंट कुछ भी एक्जिमा पे एक्ट uh, करता है और इट आई थिंक डॉक्टर्स बदलते लाइफ की वजह से स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो हमारी ज़िंदगी में आती जा रही हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जो सवाल पूछ रहे हैं उन तक उनके सवालों के जो जवाब हैं हम पहुँचाएँ हमारा जो अगला सवाल है वो है हरियाणा से मिस्टर शर्मा का मिस्टर शर्मा कह रहे हैं कि हमारी जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गई है और उसकी वजह से मुझे अब डिप्रेशन जैसी फीलिंग आने लगी है मैं एंटी डिप्रेशन ले रहा हूँ और साथ ही साथ जानना चाहता हूँ कि ओमेगा डेक मेरे डिप्रेशन में मुझे कोई मदद कर सकता है जी बिल्कुल कर सकता है ओमेगा डेक में जो ओमेगा थ्री फैटी एसिड है ये इसके ये एंटी डिप्रेशन एक्शन इसका जो है वो एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं एंटी डिप्रेजेंट ड्रग्स के साथ इट द द एंड एक्शन ऑफ एंटी देंट ड्रग्स ओके आई थिंक मिस्टर शर्मा आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि स्ट्रेस लेवल्स अगर आपके बढ़ रहे हैं तो आप डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं आप ओमेगा डेक लीजिए अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी भी हैम्पर होगी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी लो होगा आई थिंक स्ट्रेस जो है हम सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है चाहे वो एक छोटा बच्चा हो कोई टीनेजर हो या एक फुल ग्रोन मैन हो बिकॉज लाइफ इज बिकमिंग सो कॉम्पिटिटिव हर वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमें इससे आगे जाना है हमारे गोल्स को अचीव करना है एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट पूरी की पूरी हमारी जो लाइफ है वो हेवाए हो गई है जी बिल्कुल आई एग्री विथ यू एंड मैं एक और ऐड करना चाहूँगी कि चाइल्डहुड uh, में जो uh, tenth, tenth तक जो स्टडीज uh, स्टडीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज करता है ये ओमेगा डेक जो है ये ले सकते हैं एंड इंक्रीज द मेमोरी पार सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर ओके टू टेक ओमेगा डेक डेली आई थिंक जो सवाल जवाब का सिलसिला है हम जारी रखेंगे मेरे एक छोटे से ब्रेक के बाद दोस्तों इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक बट कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम लेंगे आपके सवाल और देंगे उनके करेक्ट करेक्ट जवाब बैक आफ्टर द ब्रेक दोस्तों आप देख रहे हैं ओमेगा डेक और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सवालों को अपने एक्सपर्ट्स के साथ तो चलिए डिस्कशन को जारी रखते हैं डॉक्टर्स ब्रेक पे जाने से पहले हमने कई सवाल लिए थे और आपने बहुत अच्छे से उन सवालों के जवाब हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाए सो लेट्स विद द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने हमसे पूछा है कि मुझे जो ना हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मेरे जो बाल हैं वो बहुत थिन हो गए हैं बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं और उनमें प्री मेच्योर ग्रेइंग जो है वो भी दिखने लग गई है मेरी एज है ट्वेंटी फाइव प्लीज़ मेरी मदद करें प्लीज़ डॉक्टर इनकी मदद करें जैसे मैंने बताया कि एक हेल्दी न्यूट्रिशन काफ़ी मायने रखता है ए हेल्दी ग्रोथ ऑफ़ द हेयर के लिए और साथ में जो आप खा रहे हैं वो तो ठीक है और सप्लीमेंट्स भी ऐड करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा जैसे सप्लीमेंट्स में हैं आपके मिनरल्स आ जाते हैं विटामिन आ जाते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स आ जाते हैं और एक कंप्लीट अगर प्रोडक्ट देखें तो ओमेगा डेक इट प्रोवाइड्स एवरी इन वन दिस थिंक सॉफ्ट जेल ओनली वन कैप्सूल ओनली यू विल गेट एवरी देन यू डोंट हैव टू टेक द मेनी अदर विटामिन एंड ऑल दैट लाइक ऑन द डेली बेसिस जस्ट वन कैप्सूल ऑफ ओमेगा डेक इज सफिशेंट टू मैंटेन द गुड स्टेट ऑफ द हेयर यहाँ पर वो प्री मेच्योर ग्रेंग की भी बात कर रहे हैं तो इसके बारे में आप बताएँगे कि किस तरह से ओमेगा डेक प्री मेच्योर ग्रेंग को रोकता है देखिए प्री मेच्योर ग्रेंग जो है वो आ, सारे एज सारे जो टीन एजर्स की भी प्रॉब्लम हो गई हैं और ओल्ड एज की भी प्रॉब्लम हो गई हैं ग्रोइंग ऑफ हेयर इज़ नॉट लाइक देखिए बूढ़े हो गए इसलिए ग्रोइंग ऑफ एज ग्रोइंग ऑफ हेयर आ गया है अगेन uh, मैं बताना चाहूँगी कि ग्रे हेयर में थ्री तीन लेयर होते हैं कॉटेक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द कलर सो ये ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स जो ओमेगा डेक में हैं ये कलर इम्प्रूवमेंट के कलर सपोर्ट करता है कलर इम्प्रूवमेंट के लिए सो इट 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 डिक्रीजेज द ग्रोइिंग ऑफ हेयर ओके आई थिंक आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा आप अपनी डेली डाइट में ओमेगा डेक को एज अ सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा जो अगला सवाल है उसमें ये लिखा है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम मेल इनफर्टिलिटी और मैं जानना चाहता हूँ कि ओमेगा डेक क्या मुझे कोई मदद कर सकता है देखिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी बहुत से कॉजेस हैं उसके वन ऑफ द कॉज मे बी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डिप्रेशन इज वन ऑफ द मेन कॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप ये ले सकते हैं स्ट्रेस फ्री होने के लिए और ये मैं बोलना चाहूँगी टेस्टोस्टेरॉन इज अ मेल हारमोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन द बॉडी वी रिक्वायर असेंशियल फैटी एसिड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द हारमोन इन द बॉडी एंड देयर बाई इट इट हेल्प इन दर्टिलिटी आई थिंक सबसे पहले आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए अपना कम्प्लीट चेकअप कराना चाहिए और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि आपका न्यूट्रिश डाइट लेना बहुत जरूरी है एंड यू कैन एड ऑन ओमेगा डेक एज ए सप्लीमेंट टू योर डाइट ओके हमारा जो अगला सवाल है वो स्किन रिलेटेड है तो दैटकोर्स गो टू यू ये जानना चाहते हैं कि मेरी जो एज है वो है ट्वेंटी फाइव ईयर्स एंड स्टिल आई एव स्टार्टड गेटिंग एजिंग साइंस मेरे चेहरे पे बहुत सारे छोटे छोटे रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं तो क्या ओमेगा डेक इसमें मेरी कोई मदद करेगा ज़रूर ओमेगा डेक में असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि एजिंग को प्रोसेस को डिक्रीज़ करते हैं मतलब कम करते हैं उसमें और प्रिवेंट करते हैं रिंकल्स फॉर्मेशन वगैरह के लिए साथ में ये स्किन को एक हेल्दी लुक भी देते हैं और एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्शन मतलब हेल्दियर लुक मीन्स द रोजिया कॉम्प्लेक्शन ग्लो इट गिव्स टू द स्किन सो डेफिनेटली इट्स टू हेल्प फॉर द स्किन एंड हेल्दी ग्लो आई थिंक दोस्तों अगर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है अगर आपके बाल झड़ रहे हैं अगर आपको चाहिए कि आप फिट हो जाएं आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो आप ओमेगा डेक को अपनी डाइट में जरूर जरूर ऐड करें बिकॉज इट्स अ गुड सप्लीमेंट आई थिंक लास्ट सवाल जो शायद व्यूअर्स वो भी जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूँगी वो ये है कि ओमेगा डेक का डोसेज क्या होना चाहिए डेली हमें कितना कंज्यूम करना चाहिए देखिए जनरली एसेंशियल फैटी एसिड्स का जो डेली रिकमेंडेटरी अलाउंसेस हैं वो मैं पहले बता दूँ वो है फाइव हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड एम जी पर डे सो ये एक सॉफ्टचेल सेवन हंड्रेड टू थाउजेंड मिलीग्राम्स तक है तो सॉफ्ट पर डे विद इट ओके आई थिंक इट वॉज प्लेजर टू यू थैंक यू दोस्तों आज हमने कोशिश की आपके कुछ सवालों के जवाब देने के लिए हमें अच्छा लगता है जब आप हमें ई भेजते हैं हमें कॉल करते हैं अगर आपके पास कोई और भी सवाल है तो हमें जरूर कॉन्टैक्ट करें हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं देख के आने वाले एपिसोड्स में हम आपको देंगे कई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको बनाएगी और भी सो टिल देन लिव हेल्दी एंड लुक